For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा प्रसङ्गोऽस्तु विकर्मिणि। बेटे क्या है माँ? देख पसंद कर लड़की। सभी अच्छी है माँ। अरे अच्छी तो सभी है लेकिन पगले शादी तो एक ही से करनी है ना। शादी? हाँ हाँ शादी। अब मैं तेरी एक नहीं सुनने की। पहले नौकरी का बहाना करके टाल दिया करता था, अब तो नौकरी भी मिल गई है। लेकिन माँ अभी पक्की कहाँ हुई है? अरे पक्की भी हो जाएगी। और फिर तुझे फिक्र किस बात की है मुन्ने, भगवान का दिया सब कुछ तो है। देख माँ, मैंने 25 बरस तक ब्रह्मचारी रहने की कसम खा रखी है। लेकिन 25 बरस का होते ही शादी कर लूंगा। देख माँ 10 बज गए। लेकिन सुन तो। सुन लिया माँ सुन लिया, अब मैं कॉलेज जाता हूँ। ओहो मोहन, लेकिन कभी नौकरी का बहाना कभी कुछ समझ में नहीं आता। कहो मोहन बेटा अच्छे तो हो। जी नमस्ते। जीते रहो जीते रहो। माँ जी माँ जी। कौन है? अंदर आ जाओ भैया। जी मैं हूँ लाला प्रसादी लाल। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। बैठिए प्रसादी लाल जी। जी हाँ तो फिर क्या कहा मोहन बाबू ने? मेरे ख्याल में राजी हो गए होंगे शादी के लिए। और ये लड़की ही ऐसी है, जो भी देखेगा हाँ ही कहता पाएगा। मिलती कहाँ है ऐसी लड़की, हजार में एक है हजार में। हाँ भैया लड़की तो अच्छी है मगर क्या करूं, मोहन अभी शादी ही नहीं करना चाहता। ये लो अपनी तस्वीर। अरे मैं गले थोड़े ही पड़ रहा था, तुमने कहा तो फोटो ले आया। लड़के लड़के हजार। नमस्ते।
चूहे को मिली हल्दी की गांठ, दुकान खोल बैठा। 100 रुपल्ली मिलती है बेटे को, समझती है कलेक्टर हो गया। लड़की ही पसंद नहीं आती कोई। मैं तो बाप दादा की इज्जत देख कर चला आया था। क्या हुआ प्रसादी लाजी? ये तुम्हारी पड़ोसन है ना, मोहन की माँ, आसमान से बातें करती है। ये लड़की पसंद नहीं आई उसे। क्या चीज है, कम वक्त माँ बाप बचपन में शादी ना करती तो मैं कर लेता इससे शादी। ए जीवन, मुंह संभाल कर बोल। लड़की है मेरी। ओह माफ करना, मुंह से निकल। लड़की तो अच्छी है, मोहन ने क्यों इनकार कर दिया? अजीब प्रोफेसर हो गया ना कॉलेज में, बहुत देखे हैं ऐसे प्रोफेसर। प्रोफेसर? हाँ, तो मैं आप लोगों को महाकवि शूद्रक के बारे में बता रहा था। जैसा कि मैंने कहा, महाकवि शूद्रक संस्कृत के बहुत बड़े कवि थे, बहुत बड़े पोएट थे। उनका लिखा हुआ यह नाटक वसंत सेना संस्कृत का बहुत मशहूर नाटक है। इससे पहले कि मैं ये नाटक आपको पढ़ाना शुरू करूं, मैं इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं, ताकि आप लोग इसका बैकग्राउंड, इसकी एटमॉस्फेयर अच्छी तरह समझ सकें। महाकवि शूद्रक ने इस नाटक में प्रेम का सहारा लेकर राजनीति को कूट कूट कर भर दिया है। इस नाटक का हीरो है चारुदत्त और हीरोइन है वसंत सेना। नगर सेठ चारुदत्त एक बड़े गुणवान और दानी पुरुष थे, वसंत सेना एक नाचने वाली वेश्या थी। और वसंत सेना चारुदत्त की सुंदरता और गुणों पर मोहित होकर उससे प्रेम करने लगी। सर हाँ पूछे, वसंत सेना वेश्या थी? हाँ वसंत सेना वेश्या थी। और चारुदत्त गुणवान आदमी था? हाँ। क्या चारुदत्त भी वसंत सेना से प्रेम करता था? ऐसा ही लिखा है नाटक में कि चारुदत्त वसंत सेना से बहुत प्रेम करता था। क्या गुणवान आदमी भी किसी से प्रेम कर सकता है? तो क्या प्रेम करना सिर्फ मूर्खों का ही हक है? सर मेरा मतलब था, गुणवान आदमी किसी वेश्या से प्रेम कर सकता है? महाकवि शूद्रक ने ऐसा ही लिखा है अपने नाटक में। सर वेश्या से प्रेम करने वाले गुणवान आदमी को आप गुणवान कहेंगे या मूर्ख? महामूर्ख। सर क्या वेश्या भी किसी से प्रेम कर सकती है? महाकवि शूद्रक ने वसंत सेना के प्रेम को एक आदर्श स्त्री के प्रेम के समान वर्णन किया है, एक आइडियल औरत का प्रेम बताया है उसने। सर हम आपकी राय जानना चाहते हैं। मेरी राय में वेश्या समाज के लिए कलंक है, एक पाप है। वो आदमी से मोहब्बत नहीं करती, उसकी दौलत से मोहब्बत करती है, रुपए और पैसे से मोहब्बत करती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप वसंत सेना नाटक पढ़ते हुए चारुदत्त और वसंत सेना के प्रेम को ज्यादा महत्व ना देकर, मेरा मतलब है इतनी इंपॉर्टेंस ना देकर, महाकवि शूद्रक की भाषा और शैली, आई मीन लैंग्वेज एंड स्टाइल, इन पर ध्यान देंगे। हाँ तो चैप्टर नंबर 1 पेज 15। लाडो नहीं आई, तुम क्यों झाड़ू लगा रही हो? नहीं बुखार आ गया है उसे। झाड़ू मुझे, मैं लगा। अरे जा, कपड़े भर जाएंगे धूल में तेरे। तो भाई मेरे माँ क्या हुआ? इतना ख्याल रखता है मेरा तो शादी क्यों नहीं कर लेता? मैंने बहू आ जाएगी तो तसल्ली हो जाएगी मुझे। माँ थोड़ी देर के लिए मुझे ही बहू और मुझे ही बेटा, झाड़ू हम लगाएंगे, झाड़ू हम लगाएंगे। Thank you.
हे भगवान, तूने मेरी हर साध पूरी कर दी, बस एक साध और पूरी कर दे। जल्दी से मोहन की शादी करा दे, उसे शादी करने की आज्ञा दे। तेरी शरण में आने से पहले बहू का मुंह देखना चाहती, बस यही इच्छा पूरी कर दे भगवान। में पड़ी रही और अब पूजा पाठ में लग गई। तो और पूजा कौन करता बेटे? ले आरती उतार। कमाल करती हो माँ, बुखार बढ़ गया तो और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इतनी परवाह करता है माँ की, तो माँ का कहना भी मान बेटे। अब तो बड़ा हो गया है, पढ़ लिख गया है, भगवान ने अच्छी नौकरी भी दिला दी तुझे, अब शादी कर ली। मरने से पहले बहू का मुंह देख लो, बस यही इच्छा बाकी है। ये भी पूरी हो जाएगी माँ, मैंने कहा ना 25 बरस का होते ही शादी कर लूंगा। 25 बरस का होने में तो अभी 2 बरस बाकी है, तब तक क्या मैं बैठी रहूंगी? 100 बरस तक जिएगी मेरी माँ। पके पत्ते का कोई भरोसा नहीं होता। हाँ हाँ, पके पत्ते का कोई भरोसा नहीं होता क्योंकि वो पेड़ पे लगता है, माँ पेड़ पे थोड़ी लगती है। चलो तुम्हें नीचे छोड़ो, चलो रहने दे, चली जाऊंगी। हमेशा बात हंसी में उड़ा देता है, कभी कुछ नहीं कहूं। थोड़ी देर में होश आ जाएगा। कोई डरने की बात तो नहीं डॉक्टर साहब? बुढ़ापा तो खुद एक डर होता है मोहन बाबू। लीजिए, थैंक यू। कमर में चोट आई है जी। कमजोरी तो पहले ही से है, जरा एहतियात की जरूरत है जी। अच्छा दवा मंगवा लीजिएगा। थैंक यू। बस वाले नमस्ते जी। मोहन, सुना है चाची जीने पर से गिर पड़ी, डॉक्टर क्या कहता था? डॉक्टर साहब ने कहा है मामूली सी चोट आई है, जल्दी ठीक हो जाएंगे। शुक्र है, शुक्र। जी भैया, हाँ। एक काम तो करो, बोलो बोलो। मैं माँ के पास बैठता हूँ, तुम ये दवा ले आओ। ये लो 10 रुपए। हाँ। जीवन, ये लो। हाँ। जल्दी आना। अरे ओ जीवन, धत तेरी की, सुबह सुबह टोक दिया, चार नहीं आती, फिर पीछे से आवाज देते हो। पीछे से आवाज दूं नहीं, सामने से तुम मिलो नहीं तो क्या करें? अगर पीछे से आवाज देना बुरा मालूम होता है तो हमारे पैसे दे दो, लाओ निकालो। देखो से खाने पीने का सामान दिया, कोई अय्याशी नहीं की, जब पैसे आएंगे दे दूंगा। और ये दो दो घड़ियां लगाए छैला बने फिरते हो, ये अय्याशी नहीं तो और क्या है? जेब में हाथ मत डालो, ये टाइम देखने की चीज है। तो क्या एक घड़ी टाइम देखने के लिए काफी नहीं होती? ओहो, दो घड़ियां दो तरह का टाइम बताती हैं, एक मेरा अच्छा टाइम बताती है, दूसरी बुरा। तो समझ लो अब तुम्हारा बुरा टाइम आ गया, ये भी धोखा हो गई तसल्ली। इसीलिए कहते हैं कि शरीफ आदमियों का पर्दाफाश नहीं करते। एक महीने का राशन आते। बड़े खूबसूरत हैं आप, चल दफा हो जाते, उफत हो रहा कहीं का, आ जाते हैं परेशान करने के लिए। पकौड़ी वाले मुंह छिपाने से काम नहीं चलेगा बेटा जीवन,
शर्मदार आदमी हूँ, इसलिए मुँह छिपाता हूँ, वरना मुँह चोरी करना भी जानता हूँ। बोलो क्या काम है? अबे काम क्या है, मेरे मकान का भाड़ा दे। देख पकौड़ी मत, इसी झगड़े के लिए मैं बहुत से मकान छोड़ चुका हूँ, मेरे पास नहीं है रुपए। अबे रुपए नहीं है तो मेरा मकान खाली कर। 6 महीने का भाड़ा चढ़ चुका है बेटा, पता है तुमको? एक काम कर, 6 महीने का भाड़ा चढ़ गया ना, 6 महीने का और चढ़ जाने दे, फिर या तो रुपए दे दूंगा, नहीं मकान खाली कर दूंगा। अबे मुझसे मजाक करता है? क्या बात है, क्या बात है, तू लड़की है ना जो तुझसे मजाक करूंगा। ज्यादा फैल मत, सुबह ले जाइए अपना किराया। अबे सुबह भाड़ा नहीं दिया तो सारा सामान निकाल करके फेंक दूंगा। सामान होगा तो फेंकेगा ना पागल। ओ पहलवान, ये भाव भी आता है? दाव तो मैं सभी जानता हूँ, पैसे लाओ। हाँ घर तिजोरी में रखे, कल ले लें। अरे तो मैं रोज ही सुनता हूँ। सुनो जुमन, पैसे मैं अभी लूंगा इसी वक्त, नहीं तो। नहीं तो क्या? नहीं हाँ, तो समझ। हाँ। ये तो सिर्फ 10 ही है, बाकी 10? बाकी 10 कल दे दूंगा, कल सुबह ही लूंगा। हाँ हाँ पहलवान, नाराज क्यों होते? हाँ पहलवान, गले नहीं मिलोगे? अरे ये लेन देन तो चलता ही है पहलवान। पहलवानों का जिस्म खूब होता है और आपका तो दिमाग भी खूब है। अरे सुन, मतलब सो रहे आ रहे हैं, भूलना नहीं। मैं इंतजार करूंगा। ये 10 अपने, 20 कमीशन की। मोहन मोहन गजब हो गया। क्या हुआ? किसी बेईमान ने मेरी जेबें काट ली, 10 रुपए तेरे गए, 20 मेरे। ला 10 रुपए और दे, चाची की दवा तो लाऊं। दवा मैं ही ले आऊंगा जीवन, मुझे कॉलेज भी जाना है, तू माँ के पास बैठ। अच्छा अच्छा, किसी बहाने चाची की सेवा करने का मौका तो मिलेगा। चाची ले फल खा, ताकत आएगी। सो रही है? मैं हूँ जीवन। मोहन कहाँ है? दवा लेने गया है, आप ही होगा। आई मैं मरी मोहन, मोहन मोहन मोहन, अच्छा हुआ तुम आ गए, चाची की हालत बहुत खराब हो गई है। मोहन 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 मैं गई। जीवन जरा डॉक्टर बुलाओ। माँ दवा पिलाते रहो, जिंदगी होगी तो बच जाएंगे।
अजीब क्या है इसमें, घंटे आठ घंटे की मेहमान है बेचारी। मोहन दवा क्या, अब गंगा जल डालो मुंह में। हाँ भाई, धर्म कर्म तो करना ही होगा। बहु बहु, बुढ़िया के प्राण बहु में अटके हुए, जब तक बहु का मुंह नहीं देखेगी मरेगी ही नहीं। अजी मरेगी क्यों नहीं, हाँ बेचारी की आत्मा भटकती जाएगी। बहु का मुंह देख लेती तो सुख से मर जाती। अच्छा मोहन, किए जाओ सेवा जब तक सांस चले। जरूरत पड़े तो खबर भिजवा देना मोहन। आखिरी सांस है माँ जी की, दिल मजबूत करके सेवा किए जाओ बेटा, मैं फिर आऊंगा। बड़ी अच्छी थी बिचारी, मोहल्ले से बड़ी बूढ़ी चली जाएगी। मोहन बेटा बहु ले आया, बहु 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 नहीं। कहाँ से लाऊं बहू इस वक्त? हाँ जी, बहू भी कोई खिलौना तो है नहीं कि बाजार से खरीद ला, लेकिन चाची की आत्मा तड़पती हुई जाएगी। तो फिर कर भी क्या सकता हूँ जीवन भाई? ये भी ठीक है, कर भी क्या सकते हो। मोहन एक बात ध्यान में आई, इधर इधर। यार मेरे मामा की एक लड़की है, सोचता हूँ चाची के सामने उसी को बहू बना के खड़ा कर दिया जाए तो थोड़ी देर की तो बात है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता जीवन, जैसा तुम ठीक समझो। पर यार उसका बाप है बड़ा लोभी, जरूर रुपए पैसे का सवाल करेगा। रुपए पैसे की कोई बात नहीं जीवन, माँ को शांति मिलनी चाहिए। हाँ ये तो ठीक है, तो फिर मैं कोशिश करता हूँ। अच्छा जी, तुम क्या क्या सुनो जी, तुम क्या क्या कहो जी, तुम क्या क्या खरीदोगे, सुनो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, यहाँ तो हर चीज बिकती है, कहो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, सुनो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, लाला जी तुम क्या क्या, मियाँ जी तुम क्या क्या, बाबू जी तुम क्या क्या खरीदो, अदाओं के खजाने, जवानी के तराने, अदाओं के खजाने।
चमन दे दूं, तड़पती शोखियां दे दूं मचलता, बांकपन दे दूं हाय, अगर तुम एक कली मांगो तो मैं सारा चमन दे दूं हाय। क्या करूं, किसी हकीम बैस को दिखाओ। उस्ताद, उसके मरने की दवा तुम्हारे हाथ में है। मतलब थोड़ी देर के लिए चंपा को उसके पास भेज दो। ओ, गाना सुनना चाहती है? कुछ ऐसा ही समझो। बड़ी शौकीन है बुढ़िया। अरे लोग तो मरते वक्त राम का नाम लेते हैं, बुढ़िया गाना सुनना चाहती है। क्या बात है उस्ताद? चंपा रानी, लोग तो दिल बहलाने के लिए तुम्हारा गाना सुनने आते हैं, और एक बुढ़िया है जो मरने के लिए तुम्हारा गाना सुनना चाहती। नहीं नहीं लल्लू भाई, ये बात नहीं है। चंपा भाई, दरअसल बात ये है कि वो बुढ़िया मरने के पहले बहू का मुंह देखना चाहती, थोड़ी देर के लिए उसकी बहू बनना है। मेरा मतलब है बहू का नाटक करना है। 25 रुपए दूंगा। मैं घर से बाहर नहीं जाती। 50 दूंगा। मैं थकी हुई हूँ बाबा। 75 दूंगा। बोल दिया ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। देखो चंपा भाई, रबड़ को इतना मत खींचो के टूट जाए। 100 रुपए लेना मंजूर हो तो बोलो, नहीं मैं जमुना बाई के यहाँ जाता हूँ। उस्ताद, मान जा मान जा चंपा रानी, ये भी एक जिंदगी रहेगी। जाएगी जाएगी जीवन भैया। जाओ चंपा रानी, तैयार हो जाओ, जाओ ना। अच्छा बाबा, चली जाती हूँ। और सुन, 25 रुपए मेरी कमीशन के होंगे। 125 दिलवा देना, 25 तुम्हारी कमीशन के। अच्छा अच्छा, मेरी कमीशन गई भाड़ में, तू जल्दी से आ। अरे आती हूँ। बहू, मोहन,
जीवन, तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगा। छोड़ यार, तेरे लिए क्या, सब अपने लिए कर लो। चाची के चाची चाची माँ बेहोश है। चाची बहू आई है, बहू बहू आ गई। हाँ वो देख सामने खड़ी है। चाची बहू तुम्हारे चरण छू रही है। जीती रहो बेटी। मोहन बेटा जरा बहू के पास तो खड़ा हो, आंख भर के देख तो लूं तुम दोनों को। परमेश्वर तुम दोनों को बनाए रखे। मोहन जरा अब चाची सुख से मर जाए। जीवन कितने रुपए देने हैं? 200। बड़ा लोभी है इसका बाप। कोई बात नहीं जीवन। क्या बात नहीं यार, हद तय कर लेने पर जरा से काम के 200 रुपए ये लो। लेते हुए भी शर्म आती। अच्छा भाई मोहन आप चलें। अच्छा। चलो भाई आगे चंपारानी। कहां नरक में भेज दिया तुमने भी लल्लू भाई। छी छी छी, ये जीवन का बच्चा सर हो गया था ना। क्यों रे जीवन मर गई बुढ़िया। लल्लू भाई मरी नहीं मर जाएगी, अपने को क्या लेना देना। उनका उल्लू बना के अपना उल्लू सीधा करना था, कर लिया। अरे सचमुच माँ बेटी दोनों बिल्कुल उल्लू थे। हाँ? हाँ। और वो बुढ़िया मुझे देखकर कहने लगी, खुश रहो बेटी, मोहन बेटा जरा बहू के पास तो खड़ा, आंख भर कर देख तो लो तुम दोनों को। और वो बुद्धू न जाने किसने बना दिया उसे प्रोफेसर। अरे मेरे पास खड़े होकर ऐसे डर रहा था जैसे मैं कोई आग हूँ। इसमें क्या शक है चंपा भाई, लपटें तो यहाँ तक आ रही हैं। जीवन हाँ ये तो मैं भूल ही गया। कोई बात नहीं। अच्छा लल्लू भाई। अच्छा जीवन भैया। माँ दवा पी ले। बेटा कल रात बहू आई थी ना।
हाँ माँ, मैं तो उसे अच्छी तरह देख भी न सकी। जा बेटा, उसे बुला कर ला। बहू को? हाँ, बहू को। बेटा, तुझे वो लड़की पसंद थी, तू मुझे कहा क्यों नहीं? मैं उसी से तेरी शादी कर देती। जा, जल्दी बुला ला उसे। अब मेरा कोई भरोसा नहीं, उसे बहुत कुछ कहना है मुझे। माँ, तू दवा तो पी ले। ना, पहले उसे बुला ला। लेकिन माँ, तुम्हें अकेले छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? मैं तब तक नहीं मरने वाली बेटे। जा, ला बुला कर उसे। मैंने कहा, कहाँ से लाए रुपए? ये बहुत अच्छा और आसान धंधा शुरू कर दिया है। हींग लगे ना फट करी रंग चोखा ही चोखा। अब सब कर्जा निपटा देना। कैसा कर्जा? ले रखा ना लोगों से। अरे, लेकर दिया कमा कर खाया, वो भी क्या दुनिया में आया। जा जा, अपना काम कर। नहीं, सबसे पहले कर्जे निपटाओ। तुम तो घर से निकल जाते हो, कर्जे वाले मुझे तंग करते हैं। जीवन, ओ जीवन, ये कौन है हमारा सवेरे सवेरे? होगा कोई रुपया मांगने वाला? क्या तू उससे कह दे मैं घर में नहीं। पूछेगा कब आएंगे तो क्या कहूँ? कह दीजो 2 महीने में आएंगे, 3 महीने की जेल हो गई। जेल हो तुम्हारे दुश्मनों को? अरे, मेरे दुश्मन तो ये कर्ज वाले ही हैं। जा जा, जाके कह दे। अपने आप कह दो मैं नहीं जाने की। ये बात है, जहाँ मुर्गा नहीं होगा वहाँ सवेरा नहीं होगा। मैं खुद निपट लेता हूँ। जीवन, कौन है? मैं हूँ पहलवान। क्या काम है? कुश्ती लड़ूंगा उससे। इतना दम कहाँ है उनमें? चकासी तो जान है। उसे तो मैं निकालूंगा। मुर्दा है मेरे बच्ची, जान निकालेगा। निकल यहाँ से। उस दिन मिला कहने लगा तिजोरी में रखे, घर आकर ले जाना। 7 दिन हो गए चक्कर काटते हुए। ये कह देना अगर आज रुपए घर नहीं पहुँचे तो हड्डी पसली तोड़ दूंगा। कह दूंगी। जीवन, अरे ओ जीवन, जीवन, ओ जीवन, कौन है? अरे मैं हूँ पकौड़ी मल। हमें भी खानी तेरी पकौड़ी। अरे मैं पकौड़ी बेचने नहीं आया, भाड़ा वसूल करने के लिए आया हूँ। वो बाहर गए? जब देखो बाहर ही रहता है। अरे कभी घर में भी रहता है? बोल देना लाला पकौड़ी मल आए थे। हाँ, कह दूंगा, कह दूंगी। जीवन, ओ जीवन, तू कौन है भाई? कचौरी मल कौन है? बाहर गए। कब आएंगे? बाहर हो गई। कह दो ना मोहन आया था। मोहन है तो घर में हूँ। माफ करना भैया, मैं समझा कोई मारने वाला है, तंग कर दिया इन मारने वालों ने। चले आ रहे हैं कोई धर्मशाला के लिए, कोई गौशाला के लिए, जैसे मैं कोई धन्ना सेठ हूँ। आओ ना अंदर तो आप। श्यामा, ओ श्यामा, मोहन के लिए चाय बनाओ। नहीं जीवन, मैं चाय नहीं पीता। हाँ, कुछ अच्छी चीज भी नहीं है। रहने दे, ये चाय नहीं पीते। बैठी चाय नहीं तो दूध लाऊं? जी दूध। कह दिया ना ये कुछ नहीं पीते, पीछे ही पड़ जाती है। हाँ, चाची की तबीयत कैसी है? कल से बहुत कुछ अच्छी है। अच्छी है, भगवान का शुक्र है। माँ रजनी को बहुत याद करती है, अगर हो सके तो थोड़ी देर के लिए उसे ले आओ। इस वक्त नहीं, नहीं इस वक्त तो वो नहीं आ सकती। कौन रजनी? अरे वो मेरे मामा की भांजी। तुम्हारे मामा की भांजी? नहीं नहीं, तेरे मामा की भांजी। तो मेरे मामा की भांजी? बिल्कुल पगली है, जो बात मैं इससे छिपाना चाहता हूँ वो ही पूछती है। अरे वो अपने करमचंद है ना, उनकी लड़की। करमचंद तुम्हारे मामा लगते हैं? नहीं, मेरे दुश्मन लगते। जरा फासले से मामा लगते। उनकी लड़की का नाम तो रज्जो है। तेरा राम शंभू है। कहीं की, अरे उसे प्यार से रज्जो कहते हैं, वरना उसका नाम रजनी है। जा अपना काम कर, इस वक्त तो वो नहीं आ सकती। कुआरी लड़की, बड़ी मुश्किल से लोगों की आंख बचाकर रात को लाया था। क्यों लाए थे उसे रात को? बाबा मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, जा तू अपना काम कर, फिर बताऊंगा। बड़ी बुरी आदत है ये औरतों की, हर बात पे शक्कर थी।
जीवन एक बार और ले आओ उसे माँ के लिए। आ तो वो राधे को सकती है मगर फिर पैसे का सवाल, बड़ा लोभी है उसका वाह। पैसे की कोई बात नहीं। बस तो फिर ठीक है, चाची से कह देना रात को आएगी तेरी बहू। जो हम में है वो मतवाली अदा, सब में नहीं होती मोहब्बत, सब में होती है वफा, सब में वैसे ठिकाना ले जाना बुरा है, वैसे ठिकाना ले जाना बुरा है, बचके रहना मेरी जान जमाना बुरा है, बचके रहना मेरी जान जमाना बुरा है, दिल लगाना बुरा है, वैसे ठिकाना ले जाना बुरा है। लहराए तो जंजीर भी बन जाती है, आँख शर्माए तो एक तीर भी बन जाती है, दिल उभाने को जो दिलदार बना करते हैं, दिल चुरा कर वही तलवार बना करती है। ये वो महफिल है जहाँ प्यार भी लुट जाता है, ये वो महफिल है जहाँ प्यार भी लुट जाता है, दिल तो क्या चीज है घर बार भी लुट जाता है, दिल तो क्या चीज है घर बार भी लुट जाता है, इसलिए तो कहती हूँ ऐसे वैसे ठिकाना ले जाना बुरा है, ऐसे वैसे ठिकाना ले जाना बुरा है, बच के रहना मेरी जान जमाना बुरा है, बच के रहना मेरी जान जमाना बुरा है, दिल लगाना बुरा है, ऐसे वैसे ठिकाना ले जाना बुरा है। हंसते हैं तो मस्ताना बना देते हैं, और हंस के तकते हैं तो दीवाना बना देते हैं, कोई नगमे में कोई साज में खो जाता है, इनसे जो बचता है वो नाज में खो जाता है, ये तो गर्दन से लिपट जाती है बाहें इनकी, ये तो गर्दन से लिपट जाती है बाहें इनकी, दिल नहीं जेब पे होती है निगाहें इनकी, दिल नहीं जेब पे होती है निगाहें इनकी, इसलिए तो कहती हूँ ऐसे वैसे ठिकाना ले जाना बुरा है, ऐसे ठिकाना ले जाना बुरा है, बच के रहना मेरी जान जमाना बुरा है, बच के रहना मेरी जान जमाना बुरा है, दिल लगाना बुरा है, ऐसे वैसे ठिकाना ले जाना बुरा है। सितम ढाते हैं बेदाद किया करते हैं, दुनिया करते हैं और दर्द दिया करते हैं, दर्द लेना हो तो महफिल मेरी आबाद करो, वरना जाओ जी किसी और का घर याद करो, आज जाओगे तो कल लौट के फिर आओ।
रानी। आ जा उस्ताद। चंपा रानी ये जीवन आया है, उसे कह दो आज मैं नहीं जाऊंगी। क्यों भाई, कंटिन्यूटी फंस गई है इसलिए अकड़ रही हो? अरे कौन जाए उस मरीज के पास? अरे हमें मरीज से क्या मतलब, हमें तो पैसे से मतलब है। उस्ताद थोड़ी सी देर के 100 रुपए मिल जाए कम है। देख जीवन, आज पूरे 2 साल लूंगी। हाँ देखो उस्ताद, अगर रोज इस तरह भाव बढ़ता रहा तो कैसे काम चलेगा। अच्छा अच्छा, तू 150 दिलवा दे, न तेरी न उसकी, चंपा रानी घूमना भी हो जाएगा। अच्छा तो फिर जल्दी कर, बुढ़िया इंतजार कर रही होगी। मोहन क्या बज गया बेटा? 11 बज रहे हैं माँ। तो कहता था रात को आएगी बहू, अभी तक नहीं आई। हाँ सत्यनारायण की कथा थी चाची, इसलिए देर हो गई। ये जरा सत्यनारायण को ज्यादा ही मानती है। आओ बेटी। जीती रहो बेटी, कब से राह देख रही थी तुम्हारी। जरा कथा में देर होगी, और आज पिताजी भी देर से आए। बैठो चाची के पास, भले घर की लड़कियां जरा ज्यादा ही शर्माती हैं। बैठो बैठो। अरे यही वक्त तो है चाची के आशीर्वाद लेने का। बैठ बेटी, मेरे पास बैठ, बैठ जाना। कितनी भोली है मेरी बहू, कितनी सुंदर। अरे अब तू शर्माने लगा। बेटी मेरा कोई भरोसा नहीं, अब तूने ही इस घर को संभालना है। जो कुछ भी मेरे पास दबा रखा है वो तुझे बताने के लिए ही यहाँ बुलाया है। लेकिन इन बातों की क्या जरूरत है माँ? जरूरत है तभी तो कह रही हूँ। देख बेटी, कुछ 20-25 हजार रुपए का ये मकान है, 15 हजार का मेरा बीमा है, 10-12 हजार रुपए नकद होंगे और 10 हजार रुपए के गहने हैं। क्या बेकार की बातें करती है माँ? तू चुप रहे। बड़े अरमानों के साथ इसके पिता ने ये गहने बनवाए थे, पर बहू का मुंह देखने से पहले ही चले गए। ले मोहन ये चाबी ले और बहू को गहने दिखा दे। जा बेटा, देख तो ले हाथ पांव में पूरे आते हैं या नहीं। लेकिन माँ ये सब बाद में हो जाएगा, पहले तू ठीक तो हो जा। मोहन देख, वकीलों जैसी बहस मेरे साथ न किया कर। एक बार कहने से मानता नहीं और बार बार कहने की मुझ में हिम्मत नहीं। बेटा बड़ा अच्छा मेरा लड़का, जा बेटा बहू को गहने दिखा दे। बेटी जा देख लेना गहने। बेटी आप? मुझे माँ जी ने भेजा है। माफ कीजिए, मेरी माँ सचमुच आपको बहू समझने लग गई है। लेकिन मैं ये नहीं भूल रही कि मैं किराए पर लाई गई हूँ, भाड़े की दुल्हन। बहुत बड़ा धोखा दिया है मैंने उन्हें। नहीं नहीं, धोखा तो मैंने दिया है, अब माँ को भी और आपको भी। मुझ पर तो एहसान किया है आपने, वरना ऐसी ममता की देवी के दर्शन कैसे होते। कितनी खुशनसीब होगी वो लड़की जो इस घर में बहू बनकर आएगी। मेरी माँ इतनी पसंद है आपको? अगले जन्म में भगवान से ऐसे ही सास मांगूंगी। इन्हें पहन कर देखिए, माँ ने कहा है ना, जिस गांव नहीं जाने उसका रास्ता पूछने से क्या फायदा। शायद किसी मुसाफिर को रास्ता बताना पड़ जाए। खुद भटका हुआ मुसाफिर किसी को क्या रास्ता बताएगा। हो सकता है उस रास्ते पे जाना पड़ जाए, उस गांव में जाने का मौका मिल जाए। मेरे ऐसे भाग कहाँ। बुरा जो ढूंढन मैं चला, बुरा ना दिखा कोई, और जो मन खोजा आपना,
मुस्सा बुराना को। चाची अपने तो इसी चीज को मानते हैं, कर ले सो काम और भज ले सो राम। वैसे तो तेरा बड़ा अच्छा वक्त जवान बेटे के कंधे पे चली जाए, पर अपनी यही दुआ है बेटे का ब्याह करे, तेरे पोते हो पड़ पोते हो, तू सोने की सीढ़ी चढ़े। नहीं नहीं, मुझे ऐसी कोई प्रश्ना नहीं, बस बहू घर में आ जाए यही काफी है। आ गई बेटी, पसंद आ गई कहीं? हाँ माँ जी, बहुत अच्छे हैं। माँ, पहनकर तो देखे नहीं इन्होंने। क्यों बेटी, पहनकर क्यों नहीं देखे? जी मैं फिर कभी पहन लूंगी। अच्छा अब जाऊंगी, बहुत देर हो। अच्छा बेटी कल आना, लेकिन दिन में आना। जी ऐसी कोशिश करूंगी। चाची जब तुम बुलाओगी आ जाएगी, इस बेचारी का क्या है, गौ है। जीवन आओ भैया, ये रुपए तो लेती जाइए। रहने दीजिए, रुपए की क्या जरूरत है। मगर पिताजी को क्या जवाब दोगी? पिताजी ओ उनकी फिक्र तुम मत करो, उन्हें मैं समझा दूंगी। इसलिए कि चंपा को चांदी नहीं सोना चाहिए। 10,000 के गहने हैं बुढ़िया के पास, इन्हें लूंगी। मान गया चंपा भाई, मान गया, कत्ल भी कर दो और खून भी ना निकलने दो, पर हाँ मेरी कमीशन का क्या होगा? तुम्हें मैं दूंगी रुपए, पर देखो कमीशन क्या होगी। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, पहले गहने तो आने दो। कुर्बान जाऊं चंपा भाई, आज जीवन राम सुख की नींद सोएगा। तो पैसा वसूल करने के लिए सत्याग्रह हो रहा है। अजीब बीमारी फैली है हिंदुस्तान में, जिसके जी में आता है सत्याग्रह करने लगता है। कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारा बाप हूं। पकड़ लो। अरे कहां आ गया, तुमको तो खाम खा के लिए वहम हो गया है। चलो कभी तो आएगा पकौड़ी मल जी, अंदर होगा तो बाहर आएगा और बाहर होगा तो अंदर जाएगा। अपुन तो बैठे ही मौके पर है। बैठे रहो बेटे। देखते ही आज बचकर कितना जाएगा। हाँ पकौड़ी मल जी, हम भी देखते हैं आज कैसे बच के जाता है वो। मुरारी ये जीवन बड़ा कांटा आदमी है, ऐसा न हो कहीं नजर बचा के रफू चक्कर हो जाए। देख तू इधर देख और मैं इधर देखता हूँ। ठीक कहते हो पकौड़ी मल जी, हमको ऐसा ही करना चाहिए। देख सिए शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन न आवा। श्री राम ने जब सीता की सुंदरता को देखा तो उन्हें बहुत आनंद मिला, मन ही मन में उनकी तारीफ करने लगे, लेकिन मुंह से एक शब्द न निकला। हम है वो घर क्या रामायण की कथा होती। चाची तेरा घर क्या है, तीरथ है तीरथ। जी तेरा हो बेटी, बैठो। मोहन तू रहेगी, बहू सुनाएगी। बेटी
अब तू पढ़ के सुना रामायण। रामायण मैं पढ़ू रामायण? हाँ पढ़ो ना, तुम तो रोज पढ़ती हो गीता रामायण। चाची ये तो खानदानी भक्त था, बगैर पूजा किए तो ये पानी भी नहीं पीती। यही लक्षण होते हैं कुलवंतियों के। और कुलवंती भी कैसे, जिस कुल में जाए उसे ही दर्शन करे। मोहन बेटा दे दे रामायण इसके पास, पढ़ के सुनाएगी। ली बेटी ले, शर्माया नहीं करती। ली ले, ले रामायण। श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ जनक वाटिका में घूम रहे हैं। सीता जी भी अपनी सखियों के साथ बाग में आई हुई थी। रामचंद्र जी ने सीता जी को देखा और उनकी सुंदरता को देखते ही रह गए। उधर वही हाल सीता जी का हुआ और जब रामचंद्र जी वाटिका से चले गए तो चित्त चकित चहुं दिसि सीता, कहीं गए मृत किशोर मन मीता। ऐसे नहीं बेटी, गा के सुना। गाकर? राखी ये बेचारी रात भर कीर्तन करती रही है, जरा इसका गला बैठ गया। आज तो इसे माफ कर दो, वो भी कहाँ ना जाना है, जैसे कहोगी वैसे सुनाएगी। हाँ हाँ बेटी कोई बात नहीं। अरे मोहन वो गहनों की संदूकड़ी तो जरा ले आ, देखूं तो बहू कैसी लगती है सुहाग के गहनों में। जा बेटा जा। अच्छा माँ। और हाँ वो सुहाग की साड़ी भी लेके आना। जीवन बड़ा चालाक है ये लड़का, लड़की पसंद कर ली और मुझे कहाँ तक नहीं, मैं खामखा दूसरी लड़की ढूंढती फिरती रही। चाची कैसे बताता, आखिर माँ बाप की शर्म भी तो कोई चीज है। ये तो फिर भी भूला है, तुझे खुद बता दिया। मेरी शादी की बात तो पड़ोसियों ने बताई थी मेरी माँ को। अब तो जल्दी शादी कर दूंगी इन दोनों की। हाँ ठीक है, कर लो सो काम और भज लो सो राम। लीजिए ये गहने। हाँ बेटी ले ले, पहन कर दिखा। इस वक्त आज तो बहुत देर हो गई, कल पहन लूंगी। हाँ बाबा कल ही पहन लेना, और पहन क्या लेना, पहन कर ही आ जाना। चाची अगर ये गहने साथ ले जाए तो कोई हर्ज है? हर्ज क्या है, गहने उसके अपने ही तो है। हाँ बेटी कल पहन कर आ। अच्छा माँ जी तो कल मैं पहन के भी आ जाऊंगी। अच्छा चाची अपना काम कर। बड़ी देर से आई आज लल्लू भाई, जल्दी कहो जल्दी, दो घंटे में दो साल की कमाई कर लाई है चंपा भाई। दो साल की? हाँ हाँ, 10,000 के गहने लाई है। 10,000 की गहने? चंपा रानी जरा मैं भी तो देखूं। चंपा रानी दिखाओ ना गहने। जब पहनूंगी तो देख लेना। सभी गहने रखिए, मेरा हिस्सा। ये लो। ये क्या, मैं गहनों में हिस्सा मांग रहा हूं? ओहो बहू तुम बनी थी या मैं? लेकिन बहू बनाया तो मैं नहीं था। तो उसकी दलाली दे रही हूँ। चंपा भाई तुम मुझसे धोखा कर रही हो, काम फिर भी पड़ेगा। अरे क्या काम पड़ेगा, मैं तो उस घर में अब कदम भी नहीं रखने की। लल्लू उस्ताद जरा इन्हें दरवाजा दिखा दो। दरवाजा मुझे मालूम है, खुद चला जाऊंगा। शुक्रिया। अरे अरे गुस्सा क्यों करते हो जीवन, तेरी बेईमानी और इसकी जवानी सलामत रहे, ऐसे मौके फिर भी आएंगे। उस्ताद तुम सलामत रहो, ये सब चीजें सलामत रहेंगी, बेईमानी जवानी सब मिर्जा जी। चंपा बाई तो चंपा कली पहन नहीं होंगी, कुछ शेर शायरी हो जाए।
मिर्जा दाग का अच्छे सुनाता हूँ आप। सुनाइए सुनाइए। हैं कि सर मेरा काट के पछताइएगा। सर मेरा काट के पछताइएगा और झूठी फिर किसके कसम खाइए। नहीं आया शेर नहीं शेर बबर है। अब सुनिए दूसरा सुनिए। फरमाते हैं कि रात का ख्वाब इलाही तौबा। रात का ख्वाब इलाही तौबा। मैं आप सुनिएगा तो शर्म आ आपकी मगर शर्म भी आई। अरे आने से पहले यार वे पैगाम भेजा है। अनक ने मेरे लिए जमीन पे चांद कहा। अरे वाह चंपा बाई, आज तो बिल्कुल दुल्हन बन रही हो। आज तो बिल्कुल देवी से दिख रही हो, कुलवधू सी नजर आती हो। अरे कुलवंती दिखाई देती हो। हाँ मिर्जा जी, कुलवधू सी लगती है, कुलवंती सी दिखती है, देवी नजर आती है। और वैसे तो चंपा बाई हर रंग में अच्छी नजर आती है। अरे दुल्हन अरे देवी अरे कुलवंती अरे शराब चंपा भाई वो चले झटक के दामन मेरे दस्त नाकवा से। चंपा तू कुलवंती नहीं, तू देवी नहीं, तू वेश्या है, तवाइफ है, नाचने वाली है। गृहस्थी के कहने वेश्या नहीं पहन सकती, वेश्या नहीं पहन सकती चंपा। ये तुझे जला देंगे चंपा, ये तुझे जला देंगे। हर तरह आजमाया है, पाके खोया है, खोके पाया है। अखड़ियों का बयां समझते हैं, धड़कनों की दबा समझते हैं। चूड़ियों की खनक से वाकिफ है, छागलों की छनक से वाकिफ है। ना तो अंदाज जानते हैं हम, ना तो अंदाज जानते हैं हम, तेरा हर राज जानते हैं हम। फिर आज क्यों हमसे पर्दा है दिया, क्यों हमसे पर्दा है, आज क्यों हमसे पर्दा है, आज क्यों हमसे पर्दा है, आज क्यों हमसे पर्दा है दिया, क्यों हमसे पर्दा। दिल दुखाने से फायदा क्या है, मूछ पाने से फायदा क्या है। उल्टी ढुल्ली लटें संवार के आ, खुशी को और भी निखार के आ। नर्म गालों में बिजलियां लेकर, शोक आंखों में तितलियां लेकर,
काबिजा अब पदा से लहराती, एक दुल्हन के तरह शर्माती। तू नहीं है तो रात सुनी है, इश्क की कायना तो सुनी है। मरने वालों की जिंदगी तू है, मरने वालों की जिंदगी तू है, इस अंधेरे की रोशनी तू है। फिर आज क्यों हमसे पर्दा है, पर्दा है दिया क्यों हमसे पर्दा है, आज क्यों हमसे पर्दा है, आज क्यों हमसे पर्दा है, आज क्यों हमसे पर्दा है दिया क्यों हमसे पर्दा है। तेरा इंतजार कब से है, हर नजर बेकरार कब से है, शम रह रह के झिलमिलाती है, सांस तारों की डूबी जाती है। तू अगर मेहरबान हो जाए, ये जमीन आसमान हो जाए, अब तो आ जाके रात जाती है, एक आशिक की बात जाती है। खैर हो तेरी जिंदगानी की, दे भी दे भी तू मेहरबानी की। तुझ पे सौ जानों से फिदा है हम, तुझ पे सौ जानों से फिदा है हम, एक मुद्दत के आशना है हम। आज क्यों हमसे पर्दा है, पर्दा है दिया क्यों हमसे पर्दा है, आज क्यों हमसे पर्दा है, पर्दा है दिया क्यों हमसे पर्दा है। मुंशी जी अनूठा पर्दा, ओ लाला जी झुकाओ नजरें, उठाओ पलके, वो देखो वो दुल्हन का लिबास किधर है। अरे हाँ हाँ, और नई नवेली सजावट और कुलवंती के गहने कहाँ गए। चंपा आज महफिल को तुम्हारी नई अदा ही पसंद है, जाओ वही पहन कर आओ। हाँ हाँ वही पहन कर आओ। अरे आज तो दुल्हन का नाच होगा, आज तो कुलवंती का नाच होगा। कुलवंती का नाच देखने है तो अपने घर जाओ, अपनी माँ बहनों के पास जाओ। मैं कुलवंती नहीं पेशिया हूँ, सहायक हूँ, नाचने वाली हूँ। जीवन, ओ जीवन, आओ अंदर आओ। नहीं जीवन, जरा बात सुनना, रात रजनी क्यों नहीं आई। अरे अब वो क्या है, क्यों गलती खुद करते हो, वजह मुझसे पूछते हो। किस पर ने कहा था कि उसे 10,000 के गहने पकड़ा देना। लेकिन यार उसने तो वादा किया था कि वो गहने पहन के आएगी। साहब ज्यादा, उसके बाप ने तो वादा नहीं किया था कि गहने पहन के आऊंगा। 10,000 का माल देख के उसके बाप की आंख बदल जाए तो क्या उसकी पूछ पकड़ लोगे। तुम्हें तो पता था कितना लोभी है उसका बाप। लेकिन रजनी तो ऐसी नहीं है। जी मैं उसके बाप की तारीफ कर रहा हूँ। जीवन तुम मुझे उसका घर बताओ। क्या फायदा, मैं ही करूंगा कुछ तिगड़मबाजी। गहने मिल गए तो मिल गए, वरना गई समझो। अच्छा अच्छा, अब तुम कॉलेज जाओ, मैं मिलूंगा शाम को रजनी से। माँ जी, अरे आओ बेटी आओ, बड़ी इंतजार दिखाई रहा। अपने गहनों को रख लीजिए। अरे ये तो तेरे हैं बेटी, और तू पहनकर क्यों नहीं आई। मालूम होता है मोहन से कुछ झगड़ा हो गया है, शादी से पहले ही झगड़ने लगे। अरे तू खड़ी क्यों है, बैठ के क्यों नहीं। बैठ जाना बेटी, अरे मेरे पास बैठ। मोहन तो पगला है। अच्छा बेटी ये गहने मुझे तो पहन के दिखा। हाँ नहीं माँ जी, मेरे बदन पर ये शोभा नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे शोभा तेरे बदन पे। पगली, मेरी बहू रानी कितनी सुंदर है। लाडो, अरे ओ लाडो। हाँ माँ जी। जी माँ जी, मेरी बहू इसी से शादी करूंगी मोहन की। कैसी है ना सुंदर, सीता सावित्री जैसी। बहुत अच्छी है माँ जी, जल्दी से शादी का डालो। हाँ आज ही पंडित को बुलवाऊंगी मोहन से। अच्छा काम कर लिया तूने। जी माँ जी। तो तू जा,
रजनी बिटिया बैठी है मेरे पास। बेटी, जब से बीमार पड़ी हूँ ठाकुर जी की ना पूजा हुई है ना भोग लगा है। जा, तू इन्हें स्नान करा के भोग लगा दे। जा। मैं स्नान कराऊं? मैं भोग लगाऊं? हाँ बेटी, अब तो सब कुछ तुझी को करना पड़ेगा। जा, सामने वाले कमरे में है ठाकुर जी। जा बेटी, कहाँ माना करते हैं। जा। हाँ हाँ बेटी, यही कमरा है ठाकुर जी का। भगवान को प्यारा जो हर बाई जो हर बाई।
पाए तेरा राम जी के द्वार से। भगवान मेरा भी उद्धार करेंगे, मेरा भी कल्याण करेंगे प्रभु, प्रभु। मैं कहता हूँ मैं तुझे जेल भिजवा दूंगा, बता कहाँ है चंपा। लल्लू भाई मुझे कुछ मालूम है। हाँ। तुम्हारी जान की कसम मुझे कुछ मालूम। मैं कहता हूँ मुझे वो घर दिखा दे, उसे लेके जाता था। चले तुम बाहर पे क्यों हो, घर देखोगे या किसी की जान लोगे? आओ मेरे साथ चलो, घर देखो चलो। पर वहां जाने से कुछ फायदा है? मैं कहता हूँ वही गई होगी, वो गहनों की संदूकची भी ले गई है ना। लल्लू भाई रहेगा लल्लू के लल्लू, जहाँ से गहने लाई है वही वापस ले जाएगी। करवा लिया, वैसे यही घर है, अंदर जा सकते हो। कोई ऊंच नीच हो, जमानत की जरूरत पड़े मुझे इतला करना। जीवन अरे भाई यहाँ भी नहीं तो और कहाँ गई होगी? लल्लू भाई जरा नजर दौड़ा, कोठे से सैकड़ों आदमी आते जाते, दिली तो है किसी पे आ गया होगा, वहीं गई होगी। बाकी लगा गई सबके चूना, आओ आओ मेरे साथ। क्या कर रहे हो जीवन? नमस्ते नमस्ते, वो अपने ही उतार हो। जीवन सुन गए तो सर? हाँ वो सब ठीक हो जाएगा, तू बेफिक्र रह, कोई घबरा नहीं। अब बात तो सुनो यार, तू तो मुझे बिल्कुल गधा समझता है। सब शाम को लाऊंगा, शाम को बोला ना, शाम को लाऊंगा यार, कह दिया उसका। जरा पीने का शौक है छेना को। शाम को आ गए मोहन बेटा। क्यों माँ, कैसी तबीयत है? बिल्कुल ठीक है, तुम फिक्र न करो, अब मुझे कुछ नहीं होने का। देखो मोहन बेटा वो बहू। बहू? हाँ माँ, मैंने जीवन से कह दिया है, रजनी रात को आएगी। रात को आएगी? रजनी रहने दीजिए, ठीक ही जगह तो गिरा है, उठा तो लिया, कहीं फिर ना गिरा देना। जी मैंने जानबूझकर तो नहीं गिराया। अनजाने में तो ऐसी बातें हुआ करती हैं। देखिए ना ये फोटो पहले आपके हाथों में था, फिर पाँव में गिरा और अब सीने के साथ लग गया है। नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं तो वैसे ही देख रही थी। जी मैं भी तो यही कह रहा हूँ, हमसे तो हमारा फोटो ही किस्मत वाला है। ये आप क्या कह रहे हैं? यही, आज फोटो को सहारा मिला, कल शायद हमारी बारी आ जाए, हम भी तो आस लगाए बैठे हैं। मेरा सहारा लेने वाला गिरता है, उठता नहीं। जरा हाथ बढ़ाकर तो देखो। मैं तो आपके चरणों की धूल भी नहीं हूँ। मोती अपनी कीमत नहीं जानता, फूल अपनी खुशबू नहीं पहचानता। लेकिन सभी फूल खुशबूदार नहीं होते, सभी फूल भगवान के चरणों पर नहीं चढ़ते, बहुत से फूल डाली की गोद से बिछड़कर धूल में मिल जाते हैं, बहुत से पैरों के नीचे कुचले जाते हैं। मोहन बाबू मैं वो फूल हूँ जिसमें खुशबू नहीं। खुशबू सुनने वाले को मालूम होती है, फूल को नहीं। रजनी तुम क्या हो मेरे दिल से पूछ के देखो। आप गलत समझ रहे हैं, पीतल को सोना मान रहे हैं। मैं पूरी हूँ मोहन बाबू, बहुत बुरी हूँ। रजनी सुनो तो, रजनी रजनी अरे बेटी बात तो सुन, रजनी
चले आओ के अब मुंह फेर के जाने से क्या होगा, जो तुम पर मिट चुका उस दिल को तरसाने से क्या होगा, चले आओ। दिल ने समझते बूझते अनजान बन जाने से क्या होगा, चले आओ। भाग गई है कमबख्त। उस्ताद लड़की गई तुम्हारे हाथ से। जाएगी कहां जीवन, मेरे हाथ भी बहुत लंबे हैं। अरे चंपा तो ये रही, मालूम होता है सो रही है। उस्ताद यूं कहो कि तुम्हारी सोई हुई किस्मत फिर जाग गई। सच जीवन, मेरी तो जान निकल गई थी इसमें क्या। चंपा, चंपा रानी, चंपा रानी, चंपा रानी, चंपा रानी,
तबीयत तो ठीक है ना? यू ही जरा सो गई थी। उठो मुंह हाथ धो के कपड़े बदल लो, लोगों के आने का वक्त हो गया है। उठो उठो चलो जीवन। हाँ चलो। आदाब साहब जी। आदाब वर्दे। आओ बैठो मास्टर, मिलाओ साथ। आहा जीवन। अरे साहब क्या पान खिला रहे हो? छोकरी घर लौट आई आज तो घूंट लगवाना ले पान तो खा। इन हसीनों का भला हो जो सता रखा है, इस परी ने मुझे दीवाना बना रखा है। अरे वाह भैया, बैठने से खड़े हुए हैं। हम गाना सुनने आए, फूल पहन के आज सोनी सोनी सी नजर आती है। बिल्कुल मेरे दिल की तरह से है महफिल भी। अमाउ साहब कुछ तुम्हें छेड़छाड़ करो ना। कोई राग ऐसा जो दिल में आग लगाए। ललू भाई इनसे कह दो चले जाए यहाँ से, मैं नहीं गाऊंगी। गाओगी क्यों नहीं चंपा रानी? देखो तो कितने शौक से आए हैं ये सब तुम्हारा गाना सुनने। गाएगी, बुरा ना मानिए साहिबान, गाएगी जरूर गाएगी। अरे कोई बात नहीं है लल्लू भाई, माशूक की तो गालियां भी भली मालूम होती है। लल्लू भाई निकाल दो इन सबको यहाँ से, मैं हरगिज नहीं गाऊंगी। गाओगी कैसे नहीं, तुम्हें गाना पड़ेगा। लगाओ जी था चंपा। खान साहब जल्दी चलिए, यहाँ तो लात जूते की नौबत है। चलिए क्या गाएगी? गाएगी कैसे नहीं सरकार, मैं गवाता हूँ उसे। होती कौन है ये ना गाने वाली? बरसात वो दिन भूल गई जब तू दाने दाने को तरसती थी, टुकड़े टुकड़े को मोहताज थी। मैंने तुझे सड़कों से उठाकर महलों में बिठाया, तुझे भिखारन से रानी बनाया। मुझे नहीं बनना रानी, अब तू अपनी माँ बहनों को रानी बना, उन्हें महलों में बिठा, उनसे गाना गवा। बकवास बनकर गाती है कि नहीं? नहीं गाऊंगी। तू क्या, तेरी अम्मा भी गाए? कमीना मार दूंगी। अंदर चलिए। कमबख्त तेरी इतनी जुर्रत। बोल अब बोल। ये क्या कर रहे हो उस्ताद, पागल हो गए हो क्या? हट जा जीवन। तेरा खून कर दूंगा, तुझे जान से मार डालूंगा। मुझे मारना चाहता है? मार मार बुजदिल, मैं तेरे सामने खड़ी हूँ, मार। क्यों हाथ क्यों रुके? औरत की कमाई पर जिंदा रहने वाले जलील कुत्ते, तू किसी का खून क्या करेगा? जिस चंपा का तू खून करना चाहता है, मैं खुद उसका खून कर चुकी हूँ। मेरे अंदर बरसों की सोई हुई औरत जाग चुकी है, मैं जाग चुकी हूँ, मेरी आत्मा जाग चुकी है। अब दुनिया की कोई ताकत मुझे नाचने गाने पर मजबूर नहीं कर सकती। तबाह हो जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तेरा खून कर दूंगी, मैं तेरा खून कर दूंगी। चला जा यहाँ से। अच्छी बात है, मगर याद रख, अगर मेरा नाम भी लल्लू उस्ताद है तो तुझे फिर नचवाऊंगा, कोठे पे ही नहीं बाजार में नचवाऊंगा। जरा प्यार, तुम बताते क्यों नहीं, कैसे लगी ये चोट? रात से 50 बार पूछ चुकी है, तेरा मुंह नहीं दुखता। और तुमने क्या मुंह में दही जमा रखा है? ज्वालामुखी पहाड़ फट गया, पत्थर उड़े बड़े बड़े, एक मेरे सर में आ लगा, अब तो खुश। कहाँ है ये ज्वालामुखी पहाड़, और वहाँ क्या तुम मरने गए थे? लो फिर जवाब दो। अरे भाई वही तो है अपना कारखाना। कारखाना? कारखाने में काम करते हो तुम? नहीं नहीं, कबूतर खाने में काम करता हूँ। हाँ हाँ बिगड़ते क्यों हो, पूछी तो रही हूँ। क्या करते हो तुम कारखाने में? यही, माल को गाहक से बढ़ा दिया और गाहक को माल से टकरा दिया। तो दलाली करते हो तुम? क्या छोटा नाम ले,
अरे कमीशन लेता हूँ कमीशन। जीवन, ओ जीवन, भगवान किसी को दलाल ना बनाए, बहुत तंग करते हैं ये आने जाने वाले, घर को भी कारखाना ही समझ लीजिए। जीवन, ओ जीवन, ओ मोहन। हाँ यार, कल मैं रजनी के घर गया। अरे वो तुम्हारे जाने से पहले ही घर पे आ गई थी। ओ तभी हजरत इतने खुश दिखाई दे रहे हैं। और गहने भी लौटा गई। अच्छा, कहीं दिल तो नहीं ले गई? अरे ये सर में क्या हुआ? ओ, कुछ नहीं यार, अंधेरे में तुम्हारी भाभी से टक्कर हो गई। आओ ना, आओ अंदर आओ। नहीं जीवन, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। अरे हाँ, माँ ने रजनी के बाप को बुलाया है। चाची रजनी के बाप से मिलना चाहती है? हाँ। शादी की बात करेगी? बहुत खूब राजा, मैं आज ही मिल लूंगा। पर यार उसका बाप जरा लोभी है, वो उसकी वहीं शादी करेगा जहाँ उसे कुछ। इसकी चिंता ना करो जीवन, उसका बाप जितने रुपए मांगेगा मैं दूंगा। बस तू फिर सौदा पटा पटाया है। कुछ रुपए हैं तुम्हारे पास? बुड्ढे के लिए कुछ तोहफा ले जाता। ये लो, 50 हैं। लोभी इंसान ईमान को बेच दे, सगी बेटी को बेच दे, बहुत बड़ी लानत है ये लोग। अरे वाह, तुम तो सचमुच ही जोगन बन गई। अब मैं तो क्या, मेरा बाप भी तुम्हें चंपा नहीं कह सकता, रजनी ही कहना पड़ेगा। नाम बदलने से इंसान नहीं बदल जाता जीवन, लेकिन मन बदलने से तो बदल जाता है। खैर छोड़ो इन बातों को, मोहन तुम्हें बहुत याद कर रहा है, चलो चली। नहीं जीवन, अब मैं उनके सामने कभी नहीं जाऊंगी। तो फिर उसे ही आ ले आऊं? ऐसे गजब न करना जीवन, ऐसा न करना। ओ, तुम चलो नहीं, उसे लाओ नहीं, तो ये किस्सा आगे कैसे चले? किस्सा तो खत्म हो चुका जीवन। खत्म हो चुका? अरे यूं कहो, अभी तो शुरू हुआ है। मोहन तुमसे शादी करना चाहता है। शादी? मुझसे नहीं, रजनी से। मैं चंपा वेश्या, मुझसे कौन शादी करेगा जीवन? परमेश्वर के लिए उनसे ये न कहना कि मैं रजनी नहीं चंपा थी। ये राज हम दोनों में ही रहना चाहिए। हाँ, रहना तो चाहिए और रह भी सकता है, पर चंपा देवी घोड़ा घास पे यारी करे तो खाए। अपने राम की तो रोजी ये है कि एक मुट्ठी बंद की दूसरी खोल। तेरी मुट्ठी बंद करने के लिए तू जितने रुपए चाहे मैं दे सकती हूँ, पर मोहन को ये राज कभी नहीं मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम होगा, प्रेम अंधा होता है, वो ऊंच नीच जात पात कुछ नहीं देखता। वसंत सेना दुनिया की नजरों में वेश्या थी, मगर चारुदत्त उसे अपनी प्रेमिका के रूप में ही देखता था। चारुदत्त के लिए वसंत सेना वेश्या नहीं, औरत थी, और वो उसके बिना बेचैन रहता, उसे मिलकर बहुत खुश होता, उसके विरह में बीती हुई घड़ियों को हमेशा याद किया करता। महाकवि शूद्रक ने इस भाव को ऐसे कहा है, सदा प्रदोष मम याति जाग्रता, सदा च मे विश्वस्तु गता निशा, त्वया समेतस्य विशाल लोचने, ममाद्य शोकांत करहा प्रदोष का। चारुदत्त अपनी प्रेमिका रजनी से कह रहा है। सर, रजनी से कह रहा है? रजनी से कह रहा है? मैंने ऐसे कहा? नहीं नहीं, मेरा मतलब है रजनी, रजनी में कह रहा है। रजनी रात को कहते हैं, चारुदत्त और वसंत सेना रात में ही मिला करते थे। हाँ, दिन को तो चारुदत्त कॉलेज ही जाता होगा। हाँ, तो मैं कह रहा था, चारुदत्त अपनी प्रेमिका वसंत सेना से
रात में कह रहा है, ऐ बड़ी बड़ी आंखों वाली, मैंने अपनी तमाम रातें तुम्हारी याद में जागते हुए और बिरहा के लंबे लंबे सांस लेते हुए गुजारी है, बेचैनी से बिताई है मैंने तमाम रातें। सर, क्या बिरहा में ऐसी हालत हो जाती है इंसान की? इससे भी बुरी। मेरा मतलब है, कवि ने ऐसा ही लिखा है, बहुत बुरा रोग है ये प्रेम। सर, इस रोग की भी तो कोई दवा होगी। हाँ, मिलनी है इसकी दवा। अरे मथुरा देख, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही है। अरे वाह चंपा भाई, वाह, आज तो बिल्कुल भगत भी दिखाई दे रही है तेरी कदर। अरे नहीं नहीं, ये शिकार फांसने का नया अंदाज है। किसे पुकार रहे हो? वो रजनी नहीं, चंपा बाई है, चंपा। चंपा? हाँ हाँ, वो नाचने वाली तमाए बाजार की मशहूर वेश्या। बाजार की मशहूर वेश्या, नाचने वाली तमाए। रजनी कौन है? रजनी, रजनी। मैं पूछता हूँ रजनी कौन है? क्या ये सच है रजनी चंपा है? क्या ये सच है रजनी नाचने वाली है, तमाए है, वेश्या है? क्यों लाया था उस बेशक मेरे घर? जरा हाथ को लगाम दो मोहन बाबू, मैं तेरा गला घोट दूंगा। सच बता, क्यों लाया था उसे मेरे घर? इसलिए कि तुम्हारी माँ मर रही थी, इसलिए कि तुम्हें थोड़ी देर के लिए बहू की जरूरत थी। मोहन बाबू, थोड़ी देर के लिए बेशा ही किसी की बहू बन सकती है, भले घर की लड़की नहीं। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इसकी जरूरत क्या थी? तुम तो यही चाहते थे ना, तुम्हारी माँ सुख से मर जाए। वो नहीं मरी, अच्छी हो गई, इसमें मेरा क्या दोष? तुमने बहुत बुरा किया जीवन, बहुत बुरा। माँ को इस बात का पता चल गया तो वो जहर खा के मर जाएगी। हाँ भाई, ये तो ठीक है, ऐसी धर्मात्मा पुण्यात्मा के घर बेचा। हरे 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 हरे, कम वक्त चाची के सिराने बैठ गई, और तो और उन्हें छू लिया, उनके मुंह में जल डाल दिया। राम 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 राम। अब मैं क्या करूं? ऐसा करो, एक थप्पड़ इधर भी मारो। मुझे माफ कर दो जीवन भैया, तुम मेरे मुंह पर दो थप्पड़ मार सकते हो, लेकिन ये भेद माँ को नहीं मालूम होना चाहिए। जीवन भैया, परमात्मा के लिए इतनी दया करो मुझ पर। जरूर करूंगा भाई, जरूर करूंगा। अपने राम की तो गुजर बसरी दया धर्म पर है, एक मुट्ठी बंद की, दूसरी खोल दी। समझ गए होगे मेरा मतलब। घर आके ले जाना। बुरा ना मानना मोहन भाई, अपने भी घर बार है, बीवी है, बच्चे भी हो सकते हैं। बेटा, तो फिर तू रजनी के पिता से मिला था? मैं रजनी का मुंह भी नहीं देखना चाहता, वो उस घर में कभी नहीं आ सकती। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे बता तो सही, क्या हुआ? मोहन। आ बेटा जीवन। नमस्ते चाची। देखिए मोहन क्या कह रहा है, कहता है मैं रजनी का मुंह तक नहीं देखूंगा। ये आजकल के लड़के भी बड़े अजीब होते हैं, पहले अपने आप पसंद कर लेते हैं, फिर बात बात पे झगड़े करते हैं, जैसे ये भी कोई बच्चों का खेल है। चल बेटा जीवन, तू मुझे रजनी के घर ले जा। तुम्हें? हाँ चल। वो चाची ले तो चलता, पर वो लोग आज ही बाहर गांव चले गए। तो कब आएंगे? कुछ कह के नहीं गए। कौन से गांव गए हैं? ये भी कुछ मालूम नहीं। तो इसीलिए हमारे साहबजादे नाराज हो रहे हैं। क्यों रे, क्या हक है तुझे उससे नाराज होने का? शादी से पहले ही तानाशाही। उससे मेरी शादी नहीं हो सकती माँ, कभी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? मैंने उसे अपनी बहू कहा है, अपने मन से, अपनी आत्मा से, वही मेरी बहू बनेगी, उसी से शादी होगी तेरी। माँ, तुम्हें कैसे समझाऊं?
वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती। पूछ ले जीवन से। आ जाए कुछ उड़ती उड़ती मैंने भी सुनी है किसी और चक्कर। झूठ है, बिल्कुल झूठ है जीवन। मैंने उसे इन बुरी आंखों से देखा है, तजुर्बे की आंखों से देखा है। वो मोहन से प्यार करती है, इस घर से प्यार करती है, मुझसे प्यार करती है। तुमने धोखा खाया है माँ, वो झूठी है। अगर रजनी झूठी है तो संसार झूठा है। तू झूठा है, मैं झूठी हूँ, मेरा भगवान झूठा है। Thank you.
जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया, औरत ने जन्म दिया मर्द को। मोहन बाबू, मैं रजनी नहीं, चंपा, वेश्या, ये सब आपको मालूम हो गया है। मैं जानती हूं कि वेश्या के लिए हर एक गृहस्थी का दरवाजा बंद है, लेकिन एक बार दरवाजे के बाहर ही मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ, आखिरी बार। कल रात को 12 बजे आपके दरवाजे पर राह देखूंगी चंपा। मिलना चाहती थी मुझसे? अपने कसूर की माफी मांगने के लिए। कसूर की माफी? इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, ये तो तुम्हारा पेशा है, लोगों को फंसाकर उल्लू बनाना, उन्हें तबाह करना, उन्हें बर्बाद करना, यही तो वेश्या का धंधा है। मोहन बाबू, वेश्या आसमान से नहीं गिरती, वो भी किसी की बेटी होती है, वो भी किसी की बहन होती है, वेश्या भी औरत होती है मोहन बाबू। जिसकी जिंदगी बेशुमार गुनाहों की दास्तान हो, जिसकी हर सांस में फरेब और मक्कारी का जहर घुला हो, अगर वो औरत है तो थू है ऐसी औरत पर। उन मर्दों के मुंह पर थूकिए मोहन बाबू, जो औरत को वेश्या बनाते हैं, उसकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं, अपने मतलब के लिए उसे तबाह करते हैं, बर्बाद करते हैं। औरत इसलिए मक्कार है कि वह खुद मर्द की तरफ कदम नहीं उठाती, जब तक कि मर्द खुद उसकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाता। औरत इसलिए मक्कार है कि वो अपने जज्बात को कभी जुबान पर नहीं लाती, जब तक कि मर्द हजारों कस्में खा खा कर अपनी मोहब्बत की दास्तान उसके सामने नहीं दोहराता। मोहन बाबू, औरत मक्कार नहीं, औरत फरेबी नहीं, मर्द मक्कार है, मर्द फरेबी है। तुम मर्द लोग अपनी वक्ती बीवियों के लिए चकले बनाते हो और अपनी नाजायज औलाद के लिए अनाथ आश्रम खोलते हो, और फिर समाज के ऊंचे महलों में बैठकर उन पर धिक्कार बेचते हो ताकि लोग तुम्हें बदनाम न कर सके। मोहन बाबू, किसी वेश्या की जबानी सुनी है उसकी दर्द भरी कहानी, वो बताएगी आपको कि कौन किसे फंसाता है, कौन किसे डुबाता है। यही कहेगी वो, मर्दों ने मुझे फंसाया, मर्दों ने मुझे वेश्या बनाया। मैं भी एक ऐसी ही बदकिस्मत वेश्या हूं मोहन बाबू, आपके गहने पहले ही आ चुके, ये लीजिए अपने रुपए। Thank you.
तिवारी जी, तुम चलो, मैं जवाब देता हूँ बाबूजी। बहुत अच्छा उस्ताद। तुम इसे नहीं ले जा सकते, छोड़ दो इसे। बाबू तुम बीच में ना ही आओ तो अच्छा है, वरना क्यों ले जाएं अब? चले जाओ यहां से, नहीं तो सारे मोहल्ले को जगा के पुलिस के हवाले कर दूंगा। बाबू लल्लू उस्ताद से टक्कर ले रहे हो, बहुत महंगी पड़ेगी तुम्हें। चल जा रही, चल। हाँ चंपा, मैं तुम्हें गुंडों से छुड़ा लाया। क्यों छुड़ाए आपने मुझे? क्यों मुझे बचाए उन गुंडों से? वो ले जा रहे थे। बोलिए ना, क्यों बचाया मुझे उनसे? इंसानियत के नाते कल कौन बचाएगा मुझे? कल? हाँ कल, परसों, अगले महीने, अगले साल, ये तो जिंदगी भर का रोना है। हमेशा यही होता आया है मेरे साथ और यही होता रहेगा। कौन थे वो लोग? मर्द। कहाँ ले जा रहे थे तुम्हें और क्यों ले जा रहे थे? मर्दों के लिए, मर्दों की खिदमत करने के लिए, नाचने गाने के लिए। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ? मर्जी? मर्जी ताकतवर की होती है, मर्जी पैसे वालों की होती है, मर्जी मर्दों की होती है मोहन बाबू। मैं कमजोर हूं, अकेली हूं, औरत हूं। मुझे तुमसे हमदर्दी है। काश दूसरे लोग भी मुझसे हमदर्दी रखते। मोहन बाबू, मैं भी कुलवंती थी, मैं भी खानदानी थी, मैं उस खानदान में पैदा हुई जो इज्जत से अमीर था लेकिन दौलत से गरीब था। मेरा बाप मेरे बचपन में ही गुजर चुका था। सिर्फ माँ का ही एक सहारा था, उसका आंचल मुझे खुद वर्ष दुनिया के झोंकों से बचाता रहा। मेरी माँ बीमार थी, बहुत बीमार थी, और मैं अकेली थी। उसका कमजोर हाथ मुझे तसल्ली देने को उठता, मगर मेरे सामने मेरी दुनिया अंधेर होती जा रही थी। मोहल्ले के मनचले शराफत का जामा पहनकर हमारे घर आने लगी,
बहाना माँ को देखने का था, लेकिन उनकी आंखें मेरे चेहरे पर गड़ी रहती थी, मेरी जवानी को ताका करती थी। उनके हाथ माँ की सेवा करने के लिए बढ़ते थे, लेकिन वो मुझे पकड़ना चाहती थी। मेरी माँ की बीमारी बढ़ती गई और उसके साथ साथ उनके दिल बढ़ते गए, उनकी हिम्मत बढ़ती गई और उनके हाथ मेरे पर पड़ने शुरू हो गए। अंधेरी रात थी और मेरी माँ दम तोड़ रही थी। उसे डॉक्टर की जरूरत थी, दवा की जरूरत थी। मैं अपने हर एक हमदर्द पड़ोसी के पास भीख मांगने गई। मैंने मदद के लिए उनके सामने हाथ फैलाए, पर उन्होंने मदद नहीं की बल्कि मेरा हाथ पकड़ा। मैंने भीख के लिए आंचल फैलाया, मुझे भीख नहीं थी बल्कि मेरे आंचल को पकड़ना चाहा। वो भीख देने की बजाय मुझे लूटना चाहते थे, मेरी जरूरत पूरी करने से पहले अपनी वासना पूरी करना चाहते थे। माँ को दवा पिलाने से पहले मुझे जहर पिलाना चाहते थे। मैं उन पापियों के पंजे से छुटकारा पाकर घर को भाग। मेरे चारों तरफ अंधेरा था। माँ के पास पहुंचने के लिए कदम बढ़ रहे थे, लेकिन दिल टूट रहा था। मैं घर पहुंची। मेरे घर पहुंचने से पहले ही माँ इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। इतना कहने की भी इंतजार नहीं की उसने, चंपा मेरे बाद क्या करेगी, मेरे बाद कहां जाएगी, किसके आंचल में मुंह छिपाएगी चंपा। सिवा रोने की क्या करती मैं। मोहल्ले के सभी लोग इकट्ठे हो गए। माँ के मुर्दा शरीर को ढकने के लिए कपड़े की जरूरत थी, कफन की जरूरत थी। लोगों ने मेरी माँ पर कफन नहीं डाला बल्कि मेरी इज्जत पर कफन डाल दिया। मैं मजबूर थी, अकेली थी। समाज के हमदर्दों ने मेरी मजबूरी का, मेरे अकेलेपन का फायदा उठाया, मुझे बहकाकर सताकर इस कोठे पर ला बिठाया। मैंने तुम्हें रजनी समझकर प्यार किया था, अब चंपा समझकर प्यार करता हूं। समाज की परवाह ना करके मैं तुमसे शादी भी कर लेता, लेकिन मेरी माँ। मोहन बाबू, आपने कह दिया, मेरी शादी हो गई, मैं सुहागन हो गई, मैं फिर से कुलवंती बन गई, फिर से खानदानी बन गई, मेरी दुनिया बदल गई। मोहन बाबू, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए दुनिया में, कुछ भी नहीं। मोहन बाबू, अब जाइए यहां से, कहीं कोई आपको देख ना ले। कल को दुनिया ये न कहे कि एक वैश्य ने किसी शरीफ आदमी को खराब कर दिया। अब जाइए मोहन बाबू यहां से, भगवान के लिए जाइए, कहीं कहीं माँ को ये न पता चल जाए कि उसका बेटा वैश्य के घर जाता है। मोहन वैश्य के घर जाता है? मेरा बेटा वैश्य के घर जाता है? नहीं नहीं, मैं ये सात जन्म नहीं मानने की। इसी जन्म में मान लो बुआ जी,
आपका बेटा वैश्या के घर जाता है और वैश्या आपके घर आती है। जिसे आप अपनी बहू समझती हैं वो सारे शहर की बहू है, कोई भी राह चलता उसे खरीद सकता है। जबान खींच लूंगी कुछ और कहा तो, चला जाओ यहाँ से। मैं तो चला जाऊंगा बुआ जी, लेकिन आपके खानदान पे लगा हुआ कलंक कैसे जाएगा? जिसे आप रजनी समझ रही हैं वो रजनी नहीं चंपा है, बाजार में नाचने वाली वैश्या है। बंद कर जबान। जिस घर में सीताराम और राधे श्याम के गुण गाए जाते हैं उस घर में बहू की पायल छनक सकती है, वेश्या के घुंघरू नहीं। दूर हो जा मेरे सामने से। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, मेरा खून मुझे धोखा नहीं दे सकता। हर एक माँ अपने बेटे पर यही विश्वास रखती है और नालायक बेटा इसी विश्वास की आड़ में अपनी माँ को धोखा देता है, उसकी आंखों में धूल झोंकता है। लीजिए आ गया आपका शरीफ बेटा। मैं तो झूठा ठहरा ना, पूछ देगी अपने नेक चरण बेटे से। मोहन ये कौन आदमी है बेटे जो मुंह में आए बक रहा है? मैं तो कुछ नहीं बोल रहा मोहन बाबू, सिर्फ इतना कहा कि रजनी चंपा है, नाचने वाली है, वैश्या है। मैंने कोई झूठ कहा है मोहन बाबू? तो चुप क्यों हो गए बेटे? कह दे ये सब झूठ है, हमारे घर में वैश्या नहीं कुलवंती आती है। कह दे रजनी चंपा नहीं मेरी माँ की बहू है, हमारे घर की लक्ष्मी है। बोलता क्यों नहीं बेटे? कह दे ये सब झूठ है। झूठ नहीं माँ, सच है। लक्ष्मी वेश्या, उस दिन मर गई तेरी माँ जिस दिन उस वेश्या को मेरे घर में लाया था। हे भगवान, वो पानी जहर क्यों नहीं बन गया जो उस पापन ने मेरे मुंह में डाला था? मैं खुद अंधेरे में था माँ, मुझे कुछ पता नहीं था। मेरे मरने का तो पता था, इसीलिए शादी नहीं कर रहा था। उस वेश्या से शादी करने के लिए मुझे बहका रहा था। वो वेश्या नहीं थी माँ, उसे वेश्या बनाया गया। तो ले आना उस पति सावित्री को, पवित्र हो जाएगा उसके चरणों से ये घर, खूब ऊंचा नाम होगा तेरे खानदान का। उसका खानदान भी ऊंचा था माँ। तो ले आना उस ऊंचे खानदान वाली को, कर उसके साथ शादी, नचा उसको इस आंगन में, मिला उसके सुरों में सुर। उस सुर कहा माँ? वो तो एक टूटा हुआ साज है जिससे राग नहीं चीख निकलती है। कोई नहीं सुनना चाहता उसकी चीख को। तो तू सुन उसकी चीख को, कर उसके साथ शादी, कर अपने खानदान का नाम रोशन, लगा दे चार चांद अपनी माँ बाप की इज्जत में। माँ जी इनका कोई कसूर नहीं, कसूर मेरा है, मुझे माफ कर दो माँ। माँ जैसा पवित्र नाम अपनी गंदी जबान से न निकाल, चली जाए यहाँ से। मैं जाने के लिए ही आई हूँ माँ जी, बस आखिरी बार इन चरणों। खबरदार मुझे न छूना पापन। पापी के छूने से गंगा अपवित्र नहीं होती, पापी पवित्र हो जाता है माँ। बंद करिए बकवास, गिरा हुआ पत्ता फिर से पेड़ पर कभी नहीं लग सकता। पेड़ की छाया में तो पड़ा रह सकता है, तेरे सांसों से वो छाया भी गंदी हो जाएगी। कलंकिनी तूने मेरे खानदान की इज्जत पे डंक मारा है, तू औरत नहीं नागिन है, स्त्री जाति के लिए कलंक है। तुझे किसी भी गृहस्थी के दरवाजे में कदम रखने का अधिकार नहीं। सुन लिया चंपा बाई, तुम्हें किसी भी गृहस्थी के दरवाजे में कदम रखने का अधिकार नहीं, लेकिन तुम्हारे दरवाजे खटखटाने का हर एक गृहस्थी को इख्तियार है। रात के अंधेरे में समाज के ठेकेदार तुम्हारे घर को स्वर्ग कहते हैं और दिन की रोशनी में उसे नर्क कहकर पुकारते हैं, वैश्या को समाज के माथे का कलंक समझते हैं। मैं उस कलंक को धोना चाहती थी। इतना गहरा रंग है उस कलंक का कि तुम्हारी जैसी लाखों वेश्याओं के आंसू भी नहीं धो सकते उसे। तुम्हारी मोहब्बत का हार पहनने के लिए नहीं कुचलने के लिए होता है। चंपा भाई लोग तुम्हें रात भर के लिए बीवी बना सकते हैं, जिंदगी भर के लिए नहीं। तुम किसी भी गृहस्थी की रानी नहीं बन सकती। मैं तो इन चरणों की दासी बनना चाहती थी। देख लिया चंपा भाई, यहाँ तुम पांव पड़ती हो और तुम्हें ठोकरें मिलती हैं, वहां जमाना तुम्हारे पांव पड़ता है और तुम ठोकरें लगाती हो। यहाँ तुम दासी भी नहीं बन सकती और वहां लोग तुम्हें रानी बनाते हैं। यहाँ तुम्हारे छूने से लोगों का धर्म और ईमान बिगड़ जाता है और वहां लोगों का धर्म और ईमान तुम हो। यहाँ जिल्लत है
वहां इज्जत तो बोलो यहां की छांव भली या वहां की धूप। रजनी देवी, चंपा बाई के लिए इस घर में कोई जगह नहीं। तुम ठीक कहते हो लल्लू भाई, पहाड़ से गिरा हुआ पत्थर फिर पहाड़ पर वापस कभी नहीं जा सकता। मैं अपने औकात भूल कर यहाँ आ गई थी। मेरे लिए वही बाजार है, वही गलियां, वही कोठा। बनकर आई थी, अब इस घर से वेश्या बनकर नहीं जा सकती। गृहस्थी का घर बहती गंगा है, भगवान का मंदिर है, और मंदिर के द्वार कभी किसी के लिए बंद नहीं होते। ओ बंद हुआ ये द्वार कभी ना, जुग कितने बंद हुआ ये द्वार कभी न, जुग कितने ही बीते। सब द्वारों पर हारने वाले इस द्वारे पर जीते। लाखों पतित लाखों पतिताएं पावन होकर आए रे राम जी के द्वार से। तोरा मनवा क्यों घबराए रे, लाखों दिन दुखिया रे प्राणी जग में मुक्ति पाए रे राम जी के द्वार से। तोरा मनवा क्यों घबराए रे, लाखों दिन दुखिया रे प्राणी जग में मुक्ति पाए रे राम जी के द्वार से।